حب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वर्ब पढ़ा. वर्ब क्या है? वर्ब के बारे में सीखा कि वर्ब एक फिक्रे में कितना अहम है. वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ सेंटेंस. अब फिक्रे के अंदर वर्ब बहुत अहम हिस्सा है, ये हमने सीखा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब की बुनियादी फॉर्म्स, वर्ब की बेसिक फॉर्म कौन कौन सी हैं. जैसा कि लफ्ज़ बेसिक से ही मालूम होता है, बुनियादी लफ्ज़ बेस का मतलब बुनियादी पाया होता है, यानी कि वो जो है ना वर्ब की फॉर्म्स जो बुनियाद बनती हैं. और मसलन दूसरी इसके जो फॉर्म शक्ल को कहते हैं, फॉर्म का मतलब शक्ल सूरत, ढंग, रूप, ज़ाहरी शक्ल सूरत के लिए लफ्ज़ जो है फॉर्म्स आता है, फॉर्म शक्ल. आप वर्ब की जो ना बेसिक बुनियादी फॉर्म्स, ये हम आज इंशाल्लाहुल्अज़ीम पढ़ेंगे. सबसे पहले है बेस फॉर्म. बेस जो है बुनियादी फॉर्म वर्ब की हम पढ़ते हैं कि वर्ब की बुनियादी फॉर्म, बुनियादी शक्ल और हालत कौन सी है. अब देखें यहाँ पे प्ले खेलना, ही वो प्लेज, वो खेलता है इन द फील्ड, मैदान में. यहाँ पे प्लेज जो आया है ये बेस फॉर्म है, बुनियादी फॉर्म है. दे प्ले, वो खेलते हैं इन द फील्ड, वो मैदान में खेलते हैं. दे वो राइट अ बुक, वो एक किताब लिखते हैं. इसमें राइट जो है वो बेस फॉर्म है. अब उसके बाद दे वो लाफ हंसते हैं इन द क्लास, वो क्लास में हंसते हैं. लाफ जो है बेस फॉर्म है. अब दूसरी हम इन्फिनेटिव पढ़ते हैं. इन्फिनेटिव मस्तर को कहते हैं. मस्तर स्टॉप देम, रोको उन्हें टू प्ले, खेलने से, उन्हें खेलने से रोको. एक वर्ब ये आ गई है. उसके बाद फिर हमने जब खेलने नूनिय ने आया है, अब जब किसी उर्दू फिक्रा बनाते हुए ने आ जाएगा तो उसके अंदर जो है ना पहले एक वर्ब की फॉर्म हो और ने आ जाए, और उस ने को हम मस्तर कहते हैं, क्योंकि मस्तर की पहचान ना नी ने होती है. और मस्तर की अमूमन ये तारीफ़ की जाती है कि जो है ना बेहद, बेपाया इसका मतलब होता है. और मस्तर वो जो है ना फेल है जिससे फेल के मानी तादाद के तायुन के बग़ैर ज़ाहिर हों. अब मस्तर कहलाता है. अब मस्तर की पहचान ना नी ने होती है. तो यहाँ पे जो है ना ये वर्ब आ गया स्टॉप, रोको देम उन्हें. अब ये लफ्ज़ जो है ना टू लगाकर जब वर्ब की पहली फॉर्म बनी है, टू स्टॉप प्ले, जब खेलने से, अब उन्हें खेलने से रोको, तो ये टू प्ले इसमें मस्तर है, इन्फिनेटिव है, मस्तर है. अब पास्ट टेंस नंबर थ्री पे बारी आती है पास्ट टेंस की. अब वर्ब की जो है ना सेकंड फॉर्म, वर्ब की दूसरी जो फॉर्म है वो पास्ट टेंस कहलाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के मुस्बत फिक्रात के अंदर ही पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. तो पास्ट एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की कहलाती है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कहलाती है. अब उसके बाद इसमें पास्ट टेंस प्ले, ई डी लगाकर हमने इसकी सेकंड फॉर्म बना दी प्लेड. दे, उन्होंने प्लेड खेला फुटबॉल, फुटबॉल यस्टरडे, कल, कल उन्होंने फुटबॉल खेला. तो प्लेड इज द पास्ट टेंस, प्लेज जो है पास्ट टेंस है. अब बारी आती है नंबर फोर पर पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्या है? द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की तीसरी जो फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है. ईट जो है ना, फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल नोट करें, दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं. दे हैव ईटन. ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ईट पहली फॉर्म है वर्ब की. ईट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ईट जो है बेस फॉर्म वर्ब की है. और एट इज द सेकंड फॉर्म. ईटन इज द थर्ड फॉर्म. ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म वर्ब की है. दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बारी आती है. नंबर फाइव पर है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज प्लेइंग, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाए देते हैं और उससे पहले इमदादी फेल हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. अब प्ले इज द वर्ब. प्ले एक वर्ब है, साथ हमने आईएनजी लगाया, तो ये वर्ब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया. ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है. देयर, वहाँ, वो वहाँ खेल रहा है.
अब उसके बाद दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दे आर सिटिंग, वो बैठे हैं, दे आर रीडिंग अ नोवेल, वो एक नोवेल पढ़ रहे हैं, वी आर हम हैं, प्लेइंग हम खेल रहे हैं, दे आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं। अब ये जो एग्जांपल्स आई हैं आयन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आयन जी लगाया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आयन जी लगाते हैं, इसको प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। अब आते हैं बारी जेरंड की। जेरंड रीडिंग, रीडिंग इज हिज हॉबी। रीडिंग जो है, रीडिंग पढ़ना, मताला करना इज है हिज हॉबी, उसका मशगला है, रीडिंग उसका मशगला है। अब जेरंड अमूमन जो है, अब नजायज़, जेरंड का लफ्जी मतलब है नजायज़ असर निकालना, यानी कि किसी सियासी जमात का दबाव से नजायज़ असर निकालते हुए अपने जो है ना अपनी अपनी जमात को जितवा देना या किसी दूसरी पार्टी को जितवाना। लेकिन जेरंड और प्रोग्रेसिव वर्ब में ये फ़र्क है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये फ़र्क है कि उससे पहले इज एम आर वाज वर्ब इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी होता है, उससे पहले इमदादी फेल आता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है और जेरंड के से पहले इमदादी फेल नहीं आता। अब ये जो इसमें ये आया हुआ है ना, पहले आता है ना बाद में आता है। अब अगर इसके बाद में आ जाएगा, यानी कि इसको अगर सवालिया फिक्रा करेंगे तो इज शुरू में आ जाएगा, इज ही फ्लाइंग देयर, क्या वहाँ खेल रहे है, इज तो इससे पहले आ गया इमदादी फेल। अब इमदादी फेल आया है, इमदादी फेल पहले या आखिर में हो तो इमदादी फेल हो तो वो प्रोग्रेसिव टेंस कहलाएगा, प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाएगी और उसके बाद यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। अगर उससे पहले जो है इमदादी फेल नहीं होगा तो वो जेरंड कहलाएगी। ये जो इज आया हुआ है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। रीडिंग मताला करना, पढ़ना इज है हिज हॉबी, पढ़ना इसका मशगला है। तो ये हमने आज बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी। देयर आर सिक्स मेन बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो है ना बेसिक फॉर्म जो है वर्ब की सिक्स हैं वो हमने पढ़ी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो कल जो है ना, अब इसकी काइंड्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई हो।